एक यहाँ पे है, तो ये दो पीस लिए हैं। अब देखते हैं मनीषा को पसंद है कि पूजा को पसंद है कि रंजना को पसंद है। अरे माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम और सिमी बैठे हुए हैं। सिमी अभी थोड़ा बाहर घूम रही है और इसको क्या है ना कि इस काम को लगता है कि चार मंथ कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी ये बड़ी हो गई। तो गाइस आप लोगों को बता देते हैं कि इस ब्लॉग में जितना भी प्रसाद और मम्मी अपने लिए खूबसूरत सा ली हुई है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो चलिए गाइस, और इसमें आप लोगों को कमेंट करना है कि जो एक और गिफ्ट लेनी है तो वो गिफ्ट किसको देना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा खूब सारा, और देखते हैं वोटिंग में कौन जीतता है। चलिए बिना देरी किए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सिमी का हरकत अभी क्या कर रही है। देखिए ध्यान से यहाँ पे बैठ गई है, और जैसे कोई आते जाते रहेगा तो सबसे पहले अटैक करेगी, भौंकना शुरू कर देती है। और जैसे ही इसको देखिए, कान इसका खड़ा है यानी कि कुछ सुन रही है, और जैसे ही सुन लेगी और उसके बाद से बोलना स्टार्ट कर देती है। देखते चलिए, देखिए इधर देखो सिमी, इधर आ, इधर आ, यहाँ पे, यहाँ पे आ, ए सिमी यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। गुड मॉर्निंग। तो आज हम मंगाए हैं यहाँ देखिए कुछ ऑनलाइन, तो इसमें क्या है और पसंद करके मंगाए हैं, देखें कैसा मिला है। ये तो साड़ी एक ऑर्डर किए थे और इसको आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसा दिख रहा है। ये है ये साड़ी, ये इसका ब्लाउज है, ये इसका साड़ी है। साड़ी कुछ इस तरह की है, कैसा लगेगा साड़ी, कैसा है, अच्छा है। ब्लाउज दिया है इसका हेवी, बन जाएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। ब्लाउज तो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये रखने लायक है कि नहीं, मैं तो रिटर्न करना होगा तो रिटर्न भी कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बस हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मम्मी जो है आज सुबह सुबह रेडी हो गई हैं कहीं जाने के लिए। तो कहाँ जाना है मम्मी? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज जाना है प्रसाद बांटने, और जहाँ जहाँ देना है हम ही को जाना है, क्योंकि प्रिंस जाएंगे नहीं किसी के घर, तो ये गाड़ी लेके जाएंगे और हम साथ में जाएंगे। तो यहाँ पहले प्रसाद महला का दे दें, उसके बाद जाएंगे अपने हमारे मायके का लाला हैं, जो हम लोग छोटे चाचा के लाला बोलते थे, उनके घर जाना है। तो वहाँ से दे के प्रसाद अपने ससुराल जाएंगे, तो वहाँ पे भी सबके घर अपने देवर दयादिन के यहाँ या जेठ जेठानी के यहाँ सबके यहाँ प्रसाद देना है। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि सब पहले कागज़ में फाड़ के पूड़िया बना लें, उसके बाद जाके सबके यहाँ दे देंगे प्रसाद। और गाइस अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मम्मी एक बहुत ही खूबसूरत सा अपने लिए
क्या बोलेंगे उसको? हाँ, ये नेपाली है, बहुत अच्छा लगता है हमको। हम पहले से भी, हम सिक्किम उकिम जाते थे तो हमको लगता था कि मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वहाँ ज़्यादा महंगा मिल रहा था इसलिए नहीं लेते थे। ये भी महंगा मिला है तो इसमें काम दो पीस लिए हैं और देखते हैं जिसको पसंद होगा उसको देंगे। तो दो लिए हैं यहाँ का, क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, दो ठो, और दो ये लिए हैं, दो और लिए हैं जो दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोग को। अभी मेरे पास है नहीं, चला गया है वो दादी के यहाँ, तो पहले दिखा देते हैं आप लोग को ये। तो ये आप लोग हमारा सा कुछ है और ये पहनने पर बहुत सुंदर लगता है। ऐसे है तो इसमें का और भी था क्या? हाँ, और भी लाए हैं, तो वो है यहाँ दिखा रहे हैं, और है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। तो ये दो पीस लिए हैं, अब देखते हैं मनीषा को पसंद है कि पूजा को पसंद है कि रंजना को पसंद है। और रंजना का तो अभी शादी हुआ नहीं है इसलिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिसका शादी हुआ है उसको देना है। तो पूजा अगर कहेगी कि हमको चाहिए, चाहे मनीषा कहेगी, जो जिसको चाहिए उसको दे देंगे, कोई नहीं है। दो और इसमें का छोटा वाला लिए हैं तो वो भी है इसलिए। तो आप लोग बताइए किसको देना चाहिए, कमेंट कीजिएगा खूब सारा। और यहाँ हम लिए हैं और ये सब चूड़ी सब कहाँ का है? चूड़ी भी सब प्रसाद देने के लिए लिए हैं कि अपने दयादिन लोग को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, सावन का महीना है तो सब चूड़ी ये अच्छा लगा था तो ले लिए, उन लोग को भी दे देंगे। प्रसाद में हमसे छोटी है लोग तो उन लोग का भी हक है मेरे पर कि मेरे देवरान लोग को प्रसाद में ये सब करके दे। कोई सिंदूर बिंदी चूड़ी ये सब देना चाहिए तो इसीलिए हम सोचे हैं कि आज दे देंगे ले जाकर। तो चलिए गए, अब दिखा देते हैं कि मम्मी प्रसाद जो है वो पैक कर रही हैं तो उसमें क्या क्या दे रही हैं। हमको नहीं लग रहा है, बहुत कम चीज़ है इसमें। कम है उससे कोई बात नहीं, प्रसाद प्रसाद होता है, भोलेनाथ थोड़ा सब में चला जाएगा। बोलबम से हम लोग आते हैं तो ढेर सारा लेके आते हैं, पेड़ा वेड़ा सब कुछ लाते थे, 5-7 किलो लाते थे पेड़ा, पर यहाँ से थोड़ा सा क्या बोला जाए। चलिए गाइस, वीडियो को लेके चलते हैं आके और दिखाते हैं मम्मी कैसे पैक कर रही हैं, क्या क्या सामान है। और ये चूड़ी तो कहाँ का है? कौन सा? ये खरीदे हैं चूड़ी था, कौन है बाबू? हम लोग बोलते हैं पहले इतना बड़ा कटरा माटा सुनाता था मेरे यहाँ, अभी इतना छोटा हो गया है। तो इसमें हम चिवड़ा डाल रहे हैं और ये चिवड़ा वहाँ से लाए थे, चिवड़ा बोलते हैं। गाइस, प्रसाद में आप लोगों को थोड़ा बात अच्छे से जानना चाहिए कि क्या क्या लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी अगर तीर्थ स्थल से कोई आते हैं तो होता है कि थोड़ा, अगर कहीं नहीं तो घर में जरूर बाए। सब लोग खोजते हैं गाइस कि प्रसाद जरूर आया होगा, तो इसलिए प्रसाद जरूरी है। तो हम इसमें यहाँ चिवड़ा डाल दिए हैं और सारा कुछ लाए रहते उस सब के लिए भी, अपने देवराम के लिए भी, लेकिन पैसा का कुछ अभाव से नहीं हम ले पाए। तो कोई बात नहीं है, वो लोग समझदार हैं, समझ जाएंगी। बेटी बहू के लिए ले लिए हैं, लेकिन उन लोग के लिए फिर कहीं जाएंगे तो खरीद देंगे, वो सब हमको ही रहता है। उन लोग को भी शादी करके हम ही लाए हैं इसलिए हमको अपना बेटी के जैसा समझते हैं उन लोग को भी, और बहुत अच्छा लगता है अपने फैमिली को जोड़ के रखना है और ये सब होना भी चाहिए कहीं कोई जाए तो। तो अब इसको क्या करें कि पेपर फाड़ेंगे। तो गाइस फाइनली अभी देख सकते हैं आप लोगों की प्रसाद जो है बनना शुरू हो गया है, और आप लोगों से एक यही बात पूछेंगे कि जो भी नेपाल से ये वीडियो देखता है, ये जो चीज है मीठा के जैसा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, पुस्तकारी। और अगर कोई इंडियन से भी जानते होंगे तो वो भी बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को इसका नाम नहीं पता है और वो कुछ बता रही थी तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मम्मी अब अपने अंदाज से इसको शायद लग रहा है फोड़ फाड़ देंगी, मिक्स कर देंगी, एक एक ठो सब लोग में चला जाए। चलिए गाइस दिखाते हैं आपको आगे। तो पुड़िया लगा दिए, ये सिंदूर और ये प्रसाद, तो सबको थोड़ा थोड़ा भेज देना है इसलिए कि
जितना रहता है उतने में सब करना चाहिए। और क्या है कि लाने से ज़्यादा मेहनत होता है इसको सबके यहाँ भेजवाना, तो बिंदी नहीं देना है। फाइनली सब पैक होने के बाद से इसमें यहाँ इतना बचा हुआ है, अभी हम लोग खाएंगे इतना ही। तो सोची कि लाए थे लो इतना कम और इतना हम भी लाए थे कि हम लोगों के लिए भी बच गया, पूरे लोग को पैक भी दिए और इतना हम लोग का फैमिली के लिए बच गया और यहाँ सबके लिए हो गया। तो क्या क्या डाली हैं? तो इसमें चिवड़ा, लच्छी दाना और कुछ एक और प्रसाद और सेंदूर, बिंदी, चूड़ी अपने जेठान देवरान के लिए, तो सबके लिए लेके जाना है घर। और गाइस आप लोगों को भी अगर चाहिए तो जरूर आप लोग आके लेके चले जाइए। इतना आप लोग पास में रहते तो इतने ही में से हम ना इतना इतना दे देते आप लोगों को भी, तो समझिए कि इतना ही खा लीजिएगा लोग, तो प्रसाद प्रसाद होता है और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा आप लोग को, तो इतना ही सब लोग खाएंगे हम लोग। अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी हमको जाना है सब्जी बनाने, और बहुत अच्छा सब्जी बनाने जा रहे हैं, आप लोग को रेसिपी भी डालेंगे तो आप लोग देखिएगा कि कैसे बना है, और रहर का दाल का बनाएंगे आज सब्जी। तो चलिए गाइस बिना देरी किए वीडियो को लेके चलते हैं आगे और आप लोगों को दिखाते हैं कुछ।